हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि एक्स टू द पावर जीरो को क्या लिखते हैं आप, वन, और जीरो टू द पावर आप एन ले लो, एक्स ले लो, उसको क्या लिखते हो आप, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो एन टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या जाती है आपकी, जीरो। तो क्वेश्चन अब ऐसा है दोस्तों कि ये जीरो टू द पावर जीरो क्या होगा। तो आइए अब मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइज करता हूँ। इसके लिए एक कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, तो मैं भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। 0.1 एक छोटा नंबर है, उसकी पावर आप 0.1 लें, और आप अपने कैलकुलेटर से 0 टू द पावर 0 भी चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ 0 टू द पावर 0। तो 0 टू द पावर 0 आप चेक करें, मैं भी चेक करता हूँ, हम सब साथ साथ चेक करते हैं 0 टू द पावर 0। क्या बताया आपको 0 टू द पावर 0 कैलकुलेटर ने, 1 बताया। क्या आपको विश्वास हो रहा है कि 1 होगा, क्योंकि आपने तो देखा है 0 इंटू एनी थिंग इज वॉट 0। तो ये लॉजिक से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 0 टू द पावर 0 आपका कैलकुलेटर सही कहता है क्या। तो देखिए 0.1 टू द पावर 0.1 टू द पावर 0.1 क्या आ गया है आपको, तो दिमाग में आ गया होगा 0.1 टू द पावर 0.1, ये आया है आपका वैल्यू 0.79432 82347। और भी होंगे वैल्यू, हमें यहीं तक लिखा। अब अगर आप इसको और छोटा करने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि और छोटा आप करते हैं इसको, तो 0.01 कर दें, 0.01 टू द पावर 0.01 टू द पावर 0.01, तब आपका रिजल्ट हो गया 0.9549925 86। अब ऐसा करते हैं, हम 0.01 को और छोटा कर देते हैं, तो 0.001 कर दें, 0.001 कर दें, तो रिजल्ट हमारा हो जाता है दोस्तों 0.001 टू द पावर 0.001 इज इक्वल टू हो गया 0.99311 60484। अब आप ऐसा करिए और छोटा करते हैं इसको, 0.0001 टू द पावर 0.0001, तब ये वैल्यू आपकी आई है 0.999999079 39। अब अगर आप और छोटा कर दें इसको, 0.0001 टू द पावर 0.0001, तब ये रिजल्ट क्या हो जाता है, तब ये रिजल्ट हो जाता है आपका 0.0001 टू द पावर 0.0001 इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आपका आया है 0.999884 487447744 है। अगर आप 0.0501 कर देंगे, तब आपका आंसर आएगा 0001 टू द पावर 0.00001, तब आपका आंसर आएगा 0.9999 एंड सो ऑन। अब आप देखें कि जैसे जैसे आप और छोटे छोटे पे जा रहे हैं,
तो ये जो आपके 999 है ये और स्टेबल होते जा रहे हैं। अब अगर आप और नीचे जाएंगे तो आप देखें कि कहाँ पहुँच जाएंगे आप। अब अगर आप 0.hexa01 टू द पावर 0.hexa01 लेंगे तो और 9999 आपके स्टेबल होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप जाएंगे 0.00000001, और मान लो कि आप इंदौर से भोपाल चले गए, इंदौर से भोपाल चले गए और यहाँ पे भी आप 0.00001 इंदौर से भोपाल चले गए, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 0.999999 अप टू इंदौर टू भोपाल। उस तरीके से ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स किसके हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको अप्रॉक्स क्या बोलेंगे, वन। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर आपके पास वो है, क्या कहते हैं, इस तरीके से है, क्या है कि आपका एक्स जो है, कौन, ये एक्स और ये एक्स है, ये दोनों अगर जीरो की तरफ जाएंगे तो जो आउटकम है वो किसकी तरफ बढ़ेगा, वन की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू वन। जीरो टू द पावर जीरो कैन बी इक्वल टू वन, इसको वन के बराबर माना जा सकता है क्योंकि ये अप्रॉक्स उसी के इक्वल है। और जीरो टू द पावर जीरो का जीरो मानना आपका गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपने देखा कितना इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी से लिमिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है और वो आगे तक जाता है। और हम लिमिट्स के कंसेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं, आप बने रहिए मेरे साथ में। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो कर दिया होगा, तो ज़रूर से करिएगा और दोस्तों तक फैलाइए। ये आपका अपना चैनल है, विश यू ऑल द बेस्ट।